आज का रिकमेंडेशन होने वाला है परफेक्ट फॉर ऑल दोज नेचर लवर्स जिन्हें सिटी लाइफ के हसल एंड बसल से थोड़े से दूर जाकर बस रिलैक्स्ड होना है। आज का ये रिकमेंडेशन है नागाव बीच से हार्डली 5 मिनट की दूरी पर। एंड जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, आई एम जस्ट ग्रेटेड बाय सीरीन एटमोसफियर एंड लश ग्रीनरी अराउंड। उसी के साथ साथ मेरे लिए इस प्रॉपर्टी का हाईलाइट है ये ब्यूटिफुल एंड इन्वाइटिंग सा स्विमिंग पूल जो कि काफी वेल मेंटेन है। उसी के साथ साथ यहाँ पर बेबी पूल भी है विच मेक्स दिस प्लेस परफेक्ट फॉर फ्रेंड्स फैमिलीज एंड कपल्स। वेलकम टू लाइफ एंड लीजर एंड वेलकम टू ओशन नेचर इन नागाव अलीबाग महाराष्ट्र। जैसे ही आप अंदर एंटर करते हो, यू विल बी वेलकम्ड बाय लश ग्रीनरी अराउंड। यहाँ पे तो देखकर ही मुझे ऐसा लग रहा था कि काश मेरे साथ एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होता जिनके साथ मैं यहाँ पर एक पिकनिक सेटअप करती। आई मीन जस्ट इमेजिन कीजिए, आपके लव्ड वंस के साथ आप यहाँ पर आए हो फॉर अ नाइस गेट अवे अवे फ्रॉम द हसल एंड बसल ऑफ योर सिटी लाइफ एंड यहाँ पे एक छोटी सी पिकनिक सेटअप कर रहे हो राइट बिसाइड्स द पूल। कैसा लगेगा मुझे नीचे कमेंट्स करके डेफिनेटली बताना। So, it's time for me to check in. चलिए देखते हैं यहाँ का check in procedure कैसा है। The room that I have selected for myself is Nutmeg and I just cannot wait to show you what's in store for us. चलिए check in कर लेते हैं। Hello ma'am. Hello. Yeah, good afternoon. Good afternoon. This is the process for check in. Okay. Fill up the form. Okay. Okay. So again, just the general check-in procedure, fill up the form, I think कुछ documents वगैरह भी submit करने होंगे। उसी के साथ साथ चलिए भर देते हैं quickly हमारे basic details and thank you, wow, this was unexpected, check-in procedure finish कर लेते हैं, लेते ये ठंडा ठंडा सा welcome drink and जाते हैं हमारे room में chill करने के लिए। दिखा देती हूँ आपको यहाँ पर क्या amenities है, क्या facilities है, cheers। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कोकोनट ट्रीज के व्यू के साथ होने वाला है आपका ये जबरदस्त सा रिलैक्सिंग सा स्टे। जैसे ही आप एंटर करते हो आपको दिखेगी ढेर सारी ग्रीनरी एंड कुछ सिटिंग स्पेस भी। इस रूम का नाम है बीटल नट। जी हाँ, ओशन नेचर पे आपको टाइम टू टाइम ये रियलाइज होगा कि आप अलीबाग में हैं एंड आपको यहाँ पे ऐसे ही यूनिक नेम्स दिखाई देंगे आपके रूम्स को। जैसे ही आप एंटर करते हो आपको दिखेगा ये स्मार्ट टीवी, एक कोजी कोजी सा बेड, ये फुल लेंथ मिरर भी है, कम्प्लीटली एयर कंडीशन्ड है। उसी के साथ साथ यहाँ की वाइब बहुत ही वार्म वेलकमिंग कोजी कोजी सी है, पेस्टल कलर की है। प्राइजेस की अगर मैं बात करूँ क्विकली, हेलो, प्राइजेस की अगर मैं बात करूँ तो ये रूम आप लोगों को मिल जाएगा एट 5,000 rupees प्लस टैक्सेस ऑन वीकेंड्स एंड 4,000 rupees प्लस टैक्सेस ऑन वीकडेज। अटैच वॉशरूम है जो कि काफी क्लीन है, वो भी आपको क्विकली दिखा देती हूँ। वाओ, लुक एट दैट, लवली इज़न्ट इट। काफी स्पेशियस है, क्लीन है, सारे टॉयलेटरीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, एज यू कैन सी सारे अटैच्ड है एंड आई लव द शावर एरिया, बहुत ही क्लास लग रहा है। जस्ट इमेजिन कीजिए आप यहाँ पर अलीबाग में टूरिस्ट के जैसे नागाव बीच पर घूमने के बाद यहाँ पर होता है आपका कोजी कोजी सा रिलैक्सिंग सा स्टे एंड एक रिलैक्सिंग सी बात। वाओ, अच्छा लगेगा ना। यहाँ पर किसके साथ आना चाहोगे उनके साथ तुरंत ही इस वीडियो को शेयर कर देना। इन द लैप ऑफ नेचर वॉक करते करते आपको दिखा देती हूँ ये सेकंड स्टे ऑप्शन, बट उसके पहले देख लीजिए यहाँ की लश ग्रीनरी एंड दिस फ्लावर्स अराउंड। आई मीन वाव, यहाँ पर ना बहुत ही पॉजिटिव सी फीलिंग आ रही है। ऑल्सो अगर रूम की क्विकली बात करूँ
तो इस रूम का नाम है कोकम। जी हाँ, कोकम। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करते हो आपको दिखेगा ये कोजी कोजी सा बेड, डुवे डाला हुआ है, उसी के साथ साथ एक फुल लेंथ मिरर, स्टोरेज यूनिट, एक एक्स्ट्रा सिटिंग स्पेस, कंप्लीटली एयर कंडीशनड है एंड उसी के साथ साथ ये स्मार्ट टीवी भी, वर्क स्टेशन भी है। बट मेरे लिए इस रूम का हाईलाइट था यहाँ का बाथरूम, जो आपको क्विकली दिखा देती हूँ। बाथरूम काफी स्पेशियस है, काफी अच्छा है, वेल मेंटेन्ड, क्लीन है। बट लुक एट दैट, अगर आपको 100 इंस्टाग्राम सेल्फीज निकालना एंड पोस्ट करना पसंद है तो दिस इज लिटरली परफेक्ट फॉर यू। लुक एट दैट मिरर। उसी के साथ साथ सारी टॉयलेटरीज अमेनिटीज दी हुई है एंड मुझे यहाँ की एक हाईलाइट जो है वो बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने टॉयलेटरीज में बैम्बू के टूथब्रशेस दिए हैं, विच आई एम श्योर बहुत यूनिक है, नॉट एवरीबडी डज दैट। सो 515 फॉर ओशन एच ऑफ फॉर डूइंग दिस। उसी के साथ साथ आपको दिखा देती हूँ ये सिटिंग स्पेस, हर कॉटेज के बाहर ये ऐसी सिटिंग स्पेस दी हुई है। ये है मेरी रूम नटमेग। यहाँ पर आप एंटर करते ही आपको एक फुल लेंथ मिरर दिख जाएगा, उसी के साथ ही आपको मिलेगा एक अटैच वॉशरूम विच विल डेफिनेटली ब्लो योर माइंड। अगर आप मेरी तरह हो जिसे इंस्टाग्राम के लिए 10 बार फोटोज वीडियोस लेना पसंद है तो दिस प्लेस इज लिटरली परफेक्ट फॉर यू। देखिए ना मिरर कितना सही एंड सॉर्टेड लग रहा है। उसी के साथ ही यहाँ पर आपको सारे बेसिक टॉयलेटरीज अमेनिटीज मिल जाएंगे, एक वॉक इन क्लोज टाइप सिचुएशन भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, उसी के साथ साथ वॉशरूम भी है, शावर एरिया है, बाय द वे हॉट एंड कोल्ड दोनों वाटर्स अवेलेबल हैं एंड साथ में ढेर सारी टॉयलेटरीज भी। अब आपको क्विकली रूम दिखा देती हूँ एंड प्राइजेस के बारे में भी बता देती हूँ। वीकडेज यहाँ पर आपको मिल जाएगी ये रूम एट जस्ट 5499। ये कोजी सा बेड दो लोगों के लिए परफेक्ट हो जाता है। उसी के साथ ही यहाँ की वाइब काफ़ी वार्म एंड वेलकमिंग सी है, कुछ एडिशनल सिटिंग एरिया भी है एंड एक अटैच्ड बालकनी जहाँ से आप इस लश ग्रीनरी को एंजॉय कर सकते हो, जस्ट कोकोनट ट्रीज को देख सकते हो एंड इस वाइब को एक्सपीरियंस कर सकते हो। आपके लव्ड वंस के साथ बैठकर यहाँ पे छोटा सा स्नीक पीक ले सकते हो ऑफ द स्विमिंग पूल, चाय कॉफी एंजॉय कर सकते हो, कुछ छोटी छोटी सी गपशप, प्यार भरी बातें, ढेर सारी बातें यहाँ पर बैठकर। उसी के साथ साथ बहुत ही रिलैक्स, रिफ्रेश कर लो यहाँ पर रहकर खुद को। ये रूम कम्प्लीटली एयर कंडीशनड है एंड जैसे मैंने आपको बताया यहाँ की वाइब बहुत ही अमेजिंग थी। रूम में ही आपको वाईफाई मिल जाएगा, एक स्मार्ट टीवी भी है, उसी के साथ साथ ये स्टोरेज यूनिट, बाकी भी सारी अमेनिटीज, मिनी फ्रिज दिया हुआ है, केटल, कॉफ़ी, टी, साचे। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप कोई भी रिजॉर्ट में चेक इन करने के बाद ये सारी चीज़ें घर उठा के लेके जाते हो या नहीं। उसी के साथ साथ जैसे ही आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बड़ी से विंडो दी है जिसमें से यू कैन हैव अ स्नीक पीक इनटू दिस लश ग्रीनरी दैट इज अराउंड एंड ऑफ कोर्स द स्विमिंग पूल इज वेल। स्विमिंग पूल से अगर मन नहीं भरता तो डोंट वरी, इस रिजॉर्ट के ठीक 5 मिनट के डिस्टेंस पर ही आपको नागांव बीच मिल जाएगा विच इज़ वेरी सेक्लूडेड, क्वाइट एंड एक अच्छी वाइब इंजॉय करने के लिए परफेक्ट है।
रात की वाइब यहाँ पर बहुत ही मैजिकल सी फील होगी, ट्रस्ट मी। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको एक इनहाउस रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा जो कि काफी कूल एंड वार्म है। बोहो इनकी थीम है एंड ट्रस्ट मी दे हैव डिलिशियस फूड। वी ट्राइड एवरीथिंग सो टू स्पीक, आवर फेवरेट वाज द सी फूड। अलीबाग आकर सी फूड नहीं खाया तो क्या ही खाया। बाय द वे इट्स अ मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट। एटमॉस्फियर, ये लश ग्रीनरी, स्विमिंग पूल, सब कुछ एक्सपीरियंस करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से इसे लाइक कर देना। आई नो मैं आउट्रो दे रही हूँ, मुझे खेलना नहीं चाहिए, बट व्हाट डू आई डू यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो फिनिश करके मैं तुरंत स्विमिंग पूल में जाऊँ, खुद को रिलैक्स एंड रिफ्रेश करूँ। अगर आपको भी ये करना है तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर भी करना विद योर लव्ड वंस, सो दैट ओशन नेचर एंड दिस लवली पूल कैन बी योर्स फॉर यू टू रिलैक्स एंड रिवाइंड। ऑल्सो सब्सक्राइब करना लाइफ एंड लीजर को अगर अभी तक आपने नहीं किया है, सो दैट हमें भी पता चले कि आप लोगों को हमारे रिकमेंडेशन अच्छे लग रहे हैं एंड वी फाइंड सच अमेजिंग प्रॉपर्टीज फॉर यू गाइज। अंटिल देन, बाय बाय।